उसके लिए कुछ ना कुछ अगर आप जीना चाहते हैं तो अपनी साइड तो ना बहुत बहुत धन्यवाद इनका कहने का मतलब है कि हम समाज में समाज में जब हम जिएंगे तो हम तो पॉजिटिव हो गए हम तो सबको प्रेम करेंगे लेकिन कल आकर कोई मुझे गाली देगा तब भी हम माफ कर देंगे मेंटली टॉर्चर कर रहा है तब भी हम माफ कर देंगे लेकिन किसी तरह से पूरे डिस्टर्ब करके फिजिकली भी हमें दबोचने लग गया या किसी भी तरह से दबोचने लग गया किसी भी तरह से हमें समाज में या परिवार में ही कोई व्यक्ति भी नेगेटिवली मतलब नेगेटिव ऊर्जा भेजने लग गया या अटैक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे हमें तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ तो करना ही पड़ेगा है ना घर में ये सिचुएशन होती है बाहर भी होती है दुकानों में होती है बिजनेस में होती है ऑफिस में होती है हर जगह ये तो चलते रहता है तो जब तक आप मुक्त नहीं हो तब तक आपको मास्टर कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा मास्टर कम्युनिकेटर का मतलब है आपको इन सिचुएशंस के साथ कैसे इंटेलिजेंटली पॉजिटिवली डील करना है पॉजिटिवली का मतलब ऐसा नहीं है कि हम आप वहां पे देखो मुझे किसी ने पूछा था क्या गुरु गुस्सा नहीं होते हैं? तो मैंने कहा हो सकते हैं लेकिन जानते हो उसमें अंतर है एक आम आदमी का गुस्सा में और गुरु के गुस्सा में गुरु के गुस्सा में अहंकार नहीं रहेगा और आम आदमी के गुस्सा में अहंकार रहेगा उस अहंकार से वो छिड़ हो जाएगा वो कब जाएगा उसकी शक्ति भी छीड़ हो जाएगी लेकिन गुरु गुरु समय अहंकार नहीं रहेगा वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है तो हम जब समाज में जाए हमने भी उसी जीवन से आए हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती है परिस्थितियां आती है जब एक कहा जाता कि जब सीमा को पार कर जाए तब उस वक्त आपने प्राण की रक्षा के लिए आपको जो उचित लग रहा है वो अपने आप हो जाएगा क्योंकि ये कर्म कर्मभूमि है ये भी योग है ये भी कर्म है और गुरु के लिए तो कोई किसी को मारता ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर में जीवात्मा को थोड़ी मार सकते हो आप उसको तो मार नहीं सकते हो इसीलिए वो तो पूरी के पूरे लाखों लाश भी बैठा सकता है तो भी किसी को मारा नहीं हो सकता है कि शरीर से मुक्त करके दूसरी आगे भेज दिया हो आप भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ोगे तो क्या मिलता है कोई कोई समझ जाते हैं तो बोलते हैं कि आप मुझे मुक्त कर दो आप ही मेरा गला काट दो क्योंकि आपके हाथ में मृत्यु होगी तो मुक्ति मिलेगी कहानियों में से मिल जाता है तो ये कर्म भूमि है कर्म भूमि में जितना हो सके दैव्य संपन्न होकर अपने कर्मों को निभाना चाहिए जब तक आप मुक्त नहीं हो तब तक तो समझ में नहीं आएगा तब तक आपको डील तो करना ही पड़ेगा इस संसार के साथ लेकिन विवेक पूर्ण होकर प्रेम पूर्ण होकर एक ठहराव स्थिरता के साथ आप करो क्योंकि स्थिरता में ही शक्ति होती है और स्थिर होकर भी दुश्मन का जब वार करोगे तभी बात कुछ बनेगी छितर बितर होकर दुश्मन से वार करोगे तो इस बात भी नहीं बनेगी यानी कि ये कर्म भूमि है ना तो प्रारब्ध में तो बहुत सारे आएंगे झपटेंगे आप पर भी ऐसा नहीं कि नहीं झपटेंगे गले पकड़ने के लिए भी झपटेंगे तो उस वक्त क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद रहेगा याद रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं रहेगा अगर आपके मां पे अगर कोई इस तरीके से कर दे तो बाद में सोचोगे कि मैं जेल में जाऊंगा उस वक्त अपनी मां की इज्जत बचाने पे अपने जान देने पे या तो किसी के जान लेने पे अपने आप उतर जाएगा बाद में देखा जाएगा जो होगा सो होगा लेकिन स्थिर शांत चित्त वाला होकर उतरो कर्म है निष्काम होकर सेवा के भाव से उतरो कर्म करो और जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर उठेगी ब्रह्मांड के अलग अलग आयाम एनर्जी लेवल एनर्जी की जो कॉन्सियसनेस जो लेवल है ऊपर उठते चले जाएंगे तो आप इसी पृथ्वी पर आप देखेंगे कि आपके सामने जो लोग आएंगे मैक्सिमम कुछ तो हमेशा विपरीत तो रहेंगे विपरीत नहीं रहेंगे पृथ्वी पर तो मुश्किल है हमारे विपरीत भी, भी रहेंगे हमेशा सदा सदा से रहेंगे लेकिन आप जैसे ऊपर उठते चले जाएंगे खिलते चले जाएंगे इसी संसार में बहुत कम आपके विरोध में आएंगे क्योंकि वो आएंगे भी तो आपके आपकी मुस्कुराहट आपकी वाइब्रेशन आपकी एनर्जी से क्योंकि किसको प्यारा नहीं है शांति प्रेम लेकिन कोई ऐसा कर्म और प्रारब्ध बाकी है कि आपको आकर लड़ाई झगड़ा करेगा ही मारेगा ही जैसे सुप्रेटस को भी जहर खिला दिया गया ओसो को भी कहा जाता है कि अमेरिका में उनको भी जहर खिला दिया गया तो इनके भी अपने प्रारब्ध के अनुसार चले गए उनकी भी शरीर सिख धर्म में कितने गुरुओं ने लड़ाई झगड़ा करते रह गए किसी को बच्चे को भी मार दिया वो तलवार लेकर लड़ाई झगड़ा किए ये कर्म भूमि में से प्रकृति रूपी शरीर किसी का बसने वाला नहीं है अब तो मैं यही कहूँगा कि आपको इस जगह में परिवार में या किसी भी समाज में कोई आपको ज़्यादा उंगली दिखाए ऊँची आवाज में बात करे लड़ाई झगड़ा पर उतरने आ जाए आप जितना हो सके मौन रहना शांत रहना क्योंकि शांत और मौन की शक्ति से बड़ा कोई शक्ति नहीं है आप सोचोगे कि मैं मौन और शांत ज़्यादा रहूँगा तो हमारे सर पे चढ़ जाएंगे ऐसा नहीं है क्योंकि मौन इतनी पावरफुल शक्ति है कि सामने वाला घबरा जाता है कि करने वाला क्या है ये ज़्यादा बकोगे तो आप किस पूरी की पूरी अंतर जगत को समझ लेगा वो मौन रहो देखो थोड़ा सा बात बोलो मौन रहो शांत रहो शांत रहकर मौन रहकर किसी से भी पति पत्नी के साथ भी रहे तो मौन हो जाओ वो कुछ बोलेगी आप कुछ बोलोगे तो लड़े झगड़ा होगा एक शांत हो जाओ मौन हो जाओ और किसको प्यारा नहीं है शांति किसी भी फील्ड में लेकिन कोई तलवार लेके आपको काटने वाला है तो आपके सामने जो कुछ भी है तलवार नहीं है तो कुछ भी उठा लो फिर उससे भी लड़ना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं तो काट देगा और मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है किसी गुरु के बानी वहां पे चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है आपको ही याद आएंगे उस वक्त उस वक्त जो सामने है अपने आप होगा वो हो। होने वाला है तो ये कर्म भूमि में भी आप आपका जो सवाल है आपको नेगेटिव होकर कर्म नहीं करना है आ, मेरे कहने का मतलब है शांत होकर मौन होकर स्थिर होकर कर्म करो यानी कि आप पॉजिटिव होकर ही कर्म करो आपको सामने वाला के अंदर गंदगी है तो आपको क्या जरूरत है कि आपको अपने अंदर भी गंदगी डालना है सामने वाला दारू पी रहा है लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो रुको मैं भी दारू पी लू एक तो बोतल तब तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करूं क्यों जरूरत है ये वो दारू पिया है आप बिना दारू पिए के लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं <laughs> हम लड़ाई झगड़ा कर लेंगे ऐसे भी तो होते हैं ना तो मेरे कहने का मतलब है वो बहुत नेगेटिव होकर कांप रहा है पागल हो चुका है सामने तो कोई जरूरी है कि मुझे भी पागल होना है उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए मैं आराम से चेहरे पर रखकर भी तो लड़ाई झगड़ा कर सकता हूं शांत रहकर भी कर सकता हूं चुप भी तो रह सकता हूं इस तरीका से भी किया जा सकता है समझ रहे ना तो पॉजिटिव रहकर भी अपने बच्चों को डांट सकती हो चलो इधर बैठो इधर करो अब ऐसा नहीं कि मैं एकदम अंदर पूरे एकदम सांप के बीच की तरह कोई फैल गया गुस्सा पूरा नेगेटिव हो गई डांट लगाई और तीन घंटा बैठ कर मैं रो भी रही हूँ कहाँ फंस गई हूँ इन लोगों के लिए मेरी जिंदगी में कुछ हुआ नहीं ये ऐसा है वो ऐसा है। तीन दिन तक डिस्टर्ब सही होता है ना डांट लगाओ पॉजिटिव होकर एक्टिंग कर लो पॉजिटिव होकर लेकिन ये भी आसान थोड़ी है अंदर बीस रहेगा तो लाख गुरु समझाए वक्त पे तो आ ही जाएगा वक्त पे तो सब भूल जाओगे आप फिर गलानी होती है मुझे फोन करते हैं जो करीब हैं गुरु जी क्या क्या हुआ गुस्सा आ गया समझाया था तो बहुत था ध्यान भी बहुत किया लेकिन अंत में आ गया तो मैं कहता हूँ भाई गुस्सा आ गया चलो प्रारब्ध बस एनर्जी आई किसी पे चली गई अभी तुम तो मुक्त हो जाओ ये प्रकृति में उसके प्रारब्ध के अनुसार आया तुमने मुझे गुस्सा आया मैंने गुस्सा किया ये अहम भाव है यह अहंकार का भाव है तुमने कुछ नहीं किया प्रकृति ही प्रकृति से टकरा रही है तुम इसके बीच से निकल कर दृष्ट भाव से देखो विवेक का मतलब है कि दो आदमी जब टकरा रहा है और आप भी इधर आकर सिर्फ इसकी कहानी समझ कर इसके साथ टकरा रहे हो तो इसमें बुद्धि लगा रहे हो विवेक नहीं लगा रहे हो अब कोई इधर से भी आ गया इसकी कहानी सुनकर ये दोनों पार्टी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं अब विवेक वाला वो होता है कि इन दोनों को सुनकर इन दोनों से न्यूट्रल स्टेट में आकर फ्रॉम द थर्ड पोजिशन फ्रॉम द थर्ड परस्पेक्टिव विवेक मतलब इन दोनों के पीछे दृष्टा है वो उस तरीके से देखता है तो इसी तरह से हमारे अंतर जगत में जो भी युद्ध चल रहा है बुद्धि और विवेक को एक मत समझ लेना बुद्धि है कि जो युद्ध चल रहा है अच्छा बुरा का उससे हटकर चार कदम पीछे जो कोई और दृष्टा भाव से देख रहा है स्टेट, यू कैन सी दैट वट इज द गोइंग इनसाइड, गुडनेस बैडनेस वो जो पीछे देख रहा है वो ही है विवेक वो विवेक जागृत हो रही है ये है शिव के त्रिनेत्रा ये जिसमें आने लग जाएगी वो ऐसे भी मुक्त होने लग जाएगा वो ध्यान ना भी करे चलते फिरते अपना कर्म करे और प्रत्येक विचार जो युद्ध चल रहा है यहां जाऊंगा ये यह करूंगा यहां पे इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा वहां से इनकम इतना आएगी नहीं यहां डूब जाएगा नहीं ये यह यहां हो जाएगा ये जो बुद्धि लग रही है उसके पीछे भी भाव से देखो क्योंकि आप अक्सर एसोसिएटेड होते हो आपका ब्रेन जो होता है ना सिचुएशंस के साथ एसोसिएटेड रहता है योर ब्रेन योर माइंड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सिचुएशंस उस वक्त आपका डिसीजन भी सही नहीं होगा तो पॉजिटिव रहकर भी हम सिचुएशंस के साथ आराम से डील कर सकते हैं यानी कि रिस्पों रिस्पॉन्स कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं आप बाद में तो ये आपको बाद में मुक्त हो जाओगे तो आप देखोगे कि मेरे ही शरीर और मेरे शरीर के अंदर की जो फैकल्टीज है किस प्रकार से एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इस तब ही मुस्कुराहट रहेगी निस्वार्थ मतलब मेरे ही मान लो कि पत्नी से या पति से या बेटा बेटी या पड़ोसी से कुछ भी हो रहा है प्रारब्ध बस देखोगे कि मेरे अंदर ही कैसे उठ रहे हैं और उस पढ़ रहे हैं उसके अंदर कैसे पढ़ रहे हैं और ये हो रहा है अपने अंदर की फैकल्टीज़ को ही आप दृष्टा बन गए हो अभी तो क्या है कि मैं दे हूँ मैं ये हूँ मैं लड़का हूँ मैं लड़की हूँ मैं हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ मैं सिख हूँ मैं ईसाई हूँ मैं बुद्धिस्ट हूँ अभी तो ये है अभी इस कलेक्टिवनेस के कॉन्शियसनेस में अभी चिपके हुए हो असली कृष्ण कौन है बाहर पकड़ के रखे हो असली कृष्ण अंदर है असली गुरु नानक कौन है बाहर पकड़ के रखो असली गुरु नानक आपके अंदर है अब गुरु नानक में भी परमात्मा में भी आप अंतर लगाओ कि गुरु नानक यही है और कोई कह रहे कि गुरु नानक हर जगह है गुरु नानक है कहाँ नहीं तुम्हारे अंदर है तुम्हारा बोध है तुम्हारे अंदर जो आत्मा परमात्मा जो औतरानक वही गुरु नानक है जिसने ढूंढ लिया अपने अंदर गुरु नानक को वो तो मुक्त हो जाएगा अब बाहर तीर्थ यात्रा में जाए कीर्तन करे भजन करे जितने करे तो वो बस सहायक है गुरु नानक तक पहुंचने के लिए लेकिन अंतिम में सब छोड़कर असली गुरु नानक के पास पहुंचो और गुरु नानक में परमात्मा में भी भेद करोगे तो भी मुश्किल है क्योंकि वो है एक ही सत्ता यंत्र अलग होते हैं